नमस्कार, आप देख रहे हैं NMT न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। 17 घंटे के अंतराल में दो बार उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई है। ISIS कश्मीर नाम की आईडी से भेजी गई ईमेल में उन्हें राजनीति और कश्मीरी मुद्दे से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में गौतम गंभीर ने निजी सचिव गौरव अरोड़ा से सेंट्रल दिल्ली पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान को शिकायत दी है। इसके बाद गंभीर के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। गंभीर की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी की तैनाती पहले से ही है। पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं गंभीर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूर्व दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर को पहली धमकी मंगलवार रात 9:26 पर उनकी ईमेल आईडी पर मिली। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। ईमेल आने के तुरंत बाद शिकायत पुलिस को दे दी गई। पुलिस मामले की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि ईमेल कहां से भेजी गई है। इसी दौरान बुधवार दोपहर 2:32 पर दूसरी बार धमकी आ गई। इसमें गौतम गंभीर के घर का 6 सेकंड का वीडियो भी था। इसमें भेजने वाले ने अंग्रेजी में लिखा कि हम तुम्हें मारना चाहते थे लेकिन कल तुम बच गए। अगर तुम अपने परिवार की जिंदगी से प्यार करते हो तो राजनीति और कश्मीरी मुद्दे से दूर रहो। बता दें कि गौतम गंभीर राष्ट्रवाद और सीमा के सुरक्षा को लेकर मुखर रहते हैं। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।